हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का 10वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, संविधान का दर्शन। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है, कि संविधान में शामिल मूल्यों और आदर्शों को संविधान का दर्शन कहा जाता है। यानी संविधान का अगर हृदय देखा जाए, आत्मा देखा जाए, तो मूल अधिकार है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो सीधा कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि मूल्य आदर्शों पर आधारित है। व्यक्ति का जो जीवन है इसके बिना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय जैसे आदि मूल्य और आदर्शों पर ही आधारित है। इसके दर्शन को प्राप्त करने के लिए शांति और लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल किया गया है। अगर हमारा जो देश है वो क्या एक शांति प्रिय देश है, तो जैसे कि हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा या धर्म के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव पर प्रतिबंध लगा सकता है। आपने तो देखा है कि समाज में धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जाए। बात कर रहे हैं कि संविधान द्वारा हमारे को क्या दिया गया है, स्वतंत्रता समानता दिया गया। तो व्यक्ति के स्वतंत्रता समानताओं का हनन होता है तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगता है जो व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। देखो, हम समानता की बात क्यों करते हैं, हर जगह इक्वेलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर असमानता हुई तो भैया छुआछूत तो बढ़ना ही है। अतः संविधान में, यहाँ आपको संविधान लिखना है, अतः संविधान में शामिल मूल्य आदर्शों को ही संविधान का दर्शन कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन क्यों माना जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात बताई गई है कि संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन मानने के लिए निम्नलिखित कारण है। जैसे हम बात करते हैं, संविधान सरकार को निरंकुश होने से रोकता है, यानी संविधान सरकार को गलत कामों को करने से रोकता है। संविधान सबके हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। यानी हम बात करते हैं, नागरिकों की ये रक्षा करता है, न्याय दिलाने का कार्य करता है, उनके मूल अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो संविधान सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्राप्त करता है। संविधान भेदभाव, ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त करके स्वतंत्रता, समानता और न्याय की क्या करता है, स्थापना करता है। इसलिए संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन माना जाता है। देखिए, हम प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं, हम अपने ही देश में रहते हैं, तो जो हमें संविधान ने जो जो दिया है, और देखा जाए तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय जो है, सामाजिक न्याय, तो इसके तहत हम अपना विकास कर सकते हैं। तो ये लोकतांत्रिक बदलाव की ही मुख्य साधन है। हमें संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि संविधान सभा यानी एक ऐसी सभा जहाँ पे नियम कायदे कानून बनते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कि विधायकों को वहां भेजा जाता था, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे कि भाई वहां पे देखो कि किस प्रकार से कानून बनना है, कौन से कानून बनना है, देश के लिए ये कानून सही है या गलत है, तो उसके ऊपर हमें समझना और पढ़ना भी है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि संविधान सभा की बहसों के अध्ययन से क्या लाभ मिला। तो हम बात करते हैं कि हमें संविधान सभा की ओर मुड़कर बहसों और वाद विवाद अनेक अध्ययन करने से कई तरीके के लाभ मिले। तो हम बात करें कि एक ऐसी सभा, उस सभा के आसपास लोग जितने भी जो दिग्गज थे, एडवोकेट थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमारे संविधान को बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे हम संविधान के आदर्शों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार अलग अलग संस्थाएं एक ही आदर्श की व्यवस्था अलग अलग ढंग से करते हैं। विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में वाद विवाद होता ही है, और कई बार लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आदर्शों की तो व्याख्या अपने ही अनुसार कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में संविधान सभा की बहसों का अध्ययन करके संविधान निर्माताओं का जो आदर्शों की जो पीछे का जो उद्देश्य क्या था, कि इसकी जानकारी प्राप्त की जा सके। जो भी नियम कायदे कानून जो बन रहे हैं उसके बारे में उसका मेन उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, जानकारी प्राप्त की जा सके, तब जाके वो संविधान के द्वारा वो नियम कायदे कानून लागू होगा, जिसे सही व्याख्या तक पहुंचा जा सके। तो इसमें ये बात कही गई है। भारतीय संविधान की उपलब्धियां या केंद्रीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय संविधान की प्रतिबद्धताओं का भी वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों, हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की उपलब्धियां क्या रही है, विशेषताएं क्या रही है इसकी। तो यहां हम बात करते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता से पहले अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता के मांग की थी इन्होंने, और 1919 में रॉयल एक्ट कानून का विरोध किया गया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये एक काला कानून था, व्यक्ति शक के आधार पर पकड़ कर इनको जेलों में डाल दिया जाता था। तो हम बात करते हैं कि रॉयल एक्ट का मतलब क्या होता है। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के आधार पर क्या होता था, व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाता था। तो स्वतंत्र भारत के संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया गया, जैसे जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी रहने की, बसने की स्वतंत्रता। तो प्यार बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान निर्माताओं के अनुसार सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संवैधानिक उपयुक्त की आवश्यकता थी, इसलिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी प्रावधान किया गया। हम बात करते हैं कि आज भी हमारे समाज में अगर देखा जाए तो अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति और जाति के लोग पाए जाते, तो उनके लिए अगर देखा जाए तो सीटों की आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं विविधता और अल्पसंख्यक। भारत में विविधता के कारण समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय अपनी क्या है, शिक्षण संस्थान खोलने का उनको अधिकार दिया गया है। किसी समुदाय को धर्म के साथ साथ भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यकों को माना जा सकता है। तो इस तरह भारत में भाषाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए संस्थाएं खोल सकते हैं। तो ये इसमें बातें कही गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, कि भारत में शुरू से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ही अपनाया गया है। तो प्यार बच्चों, आपको यहाँ पे सार्वभौमिक लिख लेना है, जिससे भारत में ऊंच नीच भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके तथा समानता को बढ़ावा मिला। जबकि पश्चिमी देशों में केवल पढ़े लिखे लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये कह सकते हैं कि अनपढ़ लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन पश्चिम देशों में तो मजदूर वर्ग और महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ समय बाद इनको भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो प्यार बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखकर इसके मुख्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो प्रस्तावना बहुत ही आसान है, आपको ध्यान से सुनना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत अधिनियमित द्वारा समर्पित किया गया। तो ये सारी चीज किसमें पाई गई है, प्रस्तावना में पाई गई। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान पढ़ा होगा, तो आपने न्याय के बारे में पढ़ा, अभिव्यक्ति की आजादी पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा। तो यानी फर्स्ट बुक, सेकंड बुक में ये इन सारे शब्दों को आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। तो फर्स्ट बुक में इतनी सारी बातें तो हमने समझ ली, लेकिन अब सेकंड बुक में भी ये सब चीजें जानेंगे कि धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं, समाजवादी किसे कहते हैं। तो ये सब चीजें आप सेकंड बुक में भी देखने को मिलेगा और फर्स्ट बुक में तो आपने पढ़ा ही था। तो प्यार बच्चों, अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना के प्रमुख आदर्श क्या है, कि न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना रखने की स्वतंत्रता होगी। समानता की हम बात कर लेते हैं, कि भारत के हर नागरिकों को अवसर, प्रतिष्ठा की समानता प्रदान की जाएगी। बंधुत्व, सभी भारतीय नागरिकों में भाईचारे, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ावा देने वाली भावना पैदा की जाएगी। तो ये था प्रस्तावना में मुख्य आदर्श, जो कि अभी हमने जस्ट इसे पढ़ा। और तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान की आलोचना है। संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के उच्च वर्ग से थे। यह संविधान अस्त व्यस्त था। यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बन पाया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा आज 10वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।